بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों दो बुनियादी चीज़ें हैं एक बुनियादी चीज़ है कामयाब होने और एक बुनियादी चीज़ है नाकाम होने कामयाब होने की बुनियादी चीज़ है अल्लाह के साथ अच्छा गुमान और मखलूक के साथ भी अच्छा गुमान और नाकाम होने की बुनियादी चीज़ है अल्लाह के साथ बदगुमानी और मखलूक के साथ बदगुमानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपको दाएं बाएं से इशारों से पता चल गया कि दुनिया से जाने का वक्त करीब है, तो गाहे गाहे अलग अलग लोगों को बुलाते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखो ये कहते हैं मेरी ये वसीयत फातिमा लिखो आयशा लिखो सबको अलग अलग चीज़ें अब बयान करते थे इंतकाल से पहले बहुत वसीयत है बफाया रसूल जिसे कहते हैं सलाह की वसीयत इंतकाल से पहले आखिर नमाज की वसीयत लेकिन एक हफ्ते से वसीयत शुरू हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से तीन दिन पहले हमने सबको जमा किया पहले ये बात ध्यान में रखना कि आपके इंतकाल से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बयान किए उसके बाद आपने कोई बयान नहीं किया। एक बयान किया आम मजमे में खवास पुराने सब सारे के सारे थे नए आराब मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन एक बयान ये हुआ। एक बयान आपने किया सिर्फ पुरानों में जिसमें सिर्फ शुरा के लोग थे बड़े बड़े लोग अबू बकर हैं उमर हैं उस्मान हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं अबू ये सब अपने घर में बुला के बयान किया। तीसरा बयान किया आपने आम औरतों में हालांकि मदीना की औरतों का आप सलाह जमा नहीं करते थे मस्जिद में आती थी सुन लेती थी ये तीन बयान थे जिसमें मिल गया। अब वो तीन बयान तो अपनी अपनी जगह है जो उलमा ने लिखे हैं मुझे बस हुस्ने ज़न पर बयान करना है। तो तीन दिन पहले आपने सहाबा को जमा किया और कहा कि देखो मैं तुम्हें ख़ास वसीयत करता हूँ कि अल्लाह के साथ हमेशा अच्छा गुमान रखना। ये बात की मुस्लिम शरीफ की हदीस है अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना और फिर ये कहा कि देखो मेरी ये मस्जिद है और मेरी मस्जिद उस वक्त में जैसे मस्जिद नबी है मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कह रहा हूँ और जितनी दीवारें हैं ये दीवार ऊपर कमरे होते थे लोगों साहबा जो भी आया अपना जो वहाँ तो दो दरवाजे होते थे एक दरवाज़ा मस्जिद की तरफ खुलता था एक दरवाज़ा सड़क की तरफ खुलता था। तो साहबा जो है वो आते थे और आकर अपने मस्जिद में शरीक हो जाते थे फारिग हो गया मशवरे से तो साहब अपने अपने घरों पर चले जाते ये तरतीब थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात खलती थी। तो आपने फरमाया अभी देखो मैं दुनिया से जा रहा हूँ मेरा वक्त करीब है मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि मस्जिद की तरफ जितने दरवाजे खुल रहे हैं सारे दरवाजों को बंद कर देना
सिर्फ एक अबू बकर का दरवाज़ा खुला रखा, इसलिए कि मैंने अबू बकर के दरवाजे के ऊपर अल्लाह की खुसूसी कुदरत का मुजाहरा देखा है, आसमान से नूर उतरते हुए देखा है। इसीलिए अब तक मस्जिद नबी में हाजी खौफत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो खुला हुआ है। रिसर्च की थी आपने, अब आयशा ने कोई चीज़ पूछी, उम्म सलमा ने कोई चीज़ पूछी, तुमको जवाब देते गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब ये मसला आया कि भाई क्या करें कैसे करें, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात कही कि देखो अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना, तुम चलते रहोगे और जहाँ तुम्हारे अंदर ये धड़ बधड़ हुआ कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इधर वह तुम्हारी गाड़ी अटक गई। ये तो हुआ हुस्न ज़न। अब बदगुमानी, इतना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतियात करते थे कि किसी को हमारी तरफ से बदगुमानी न हो। उस पर मैं एक मुख्तसर हदीस सुना देता हूँ, किस्सा। अबुल आस इब्न रबी थे, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, अनिल ज़ैनब पेशावर। बहुत मारूफ किस्सा है, हज़रत शेख ने लिखा है, सब उलमा ने लिखा है। अच्छा, हालात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जुमला कहते थे, भाई दामाद हो तो ऐसा हो। मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमान होने में तो बड़ा गुस्से हैं इनके, लेकिन आमतौर पर शब आदि तालीम में जब सात जगह से खाना पीना सब बंद हो गया, ये हो गया, कोई ये अकेला नौजवान था जो सब मुशरिकीन मक्का से रात को जो है तरतीब दे दिलाकर ऊपर से खाना भेजना तरतीब देना ये करते थे, बुला सकते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे भाई दामा घुसता है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, अभी देखो मेरी बेटी तो मुसलमान है, तुम मुशरिक हो, इस्लाम जो है मेरी बेटी को भेज दो मदीना मनोवरा, मेरे पास रहेगी। और बेटे तुम्हारा अपना देख लो, तुम्हें बड़े ताजिर थे, रिवायत में आता है तो उन्होंने अपने जैनब को भेज दिया। ये बदगुमानी पर सुना रहा। अच्छा, जैनब जो हालात आए वो हालात होते होते मदीना मनोवरा पहुंच गई। अब वहाँ अब्बा के साथ रहने लगी, सबके साथ जिंदगी गुजरने लगी। एक मरतबा ये अबुल आस तिजारत के लिए शाम गई, तो जब भी शाम जाते हैं तो मदीना से गुजर होता था, तो मदीना से गुजरते गुजरते कहते थे अस्सलाम वालेकुम जैनब, जैनब अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत थी, फितरी मोहब्बत जो थी वो तो थी, आपस में कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन मसला ये कि हुजूर ने लिख दिया। आते जाते वापस सामान लेकर आ रहे थे बुला मेरे लिए, खुदा की शान ये कि वो जो है मदीना के बॉर्डर में दाखिल हो गया। रात का वक्त था, इन्हें पता नहीं कि मदीना के बॉर्डर में दाखिल हूँ, वहाँ साहबा सब पहरा दे रहे थे। साहबा ने कहा तो मुसाफिर है, बहुत माल लेकर आ रहा है शाम से, तो साहबा ने जो है माल ले लिया और इनको ही पकड़ना शुरू किया। तो ये भागे, ये तो मेरी जान बचानी है, मदीना मनोवरा की बस्ती करीब, अब जाओ तो कहाँ जाओ, ठंडी का जमा, ठंडी की रात। साहबा ने माल तो ले लिया लेकिन इनको नहीं पकड़ सकी, ये भाग गए। मदीना मनोवरा में आए, मदीना मनोवरा में कहाँ जाऊँ, रात को 2:30 बजे 3 बजे सब लोग सोए हुए, कोई भी रस्ते मिलता तो एक ही बात पूछते अबुल आसिफ में, भाई ज़ैनब का कमरा कहाँ है। तो कहते थे ज़ैनब तो मदीना में बहुत है, ज़ैनब जो है ज़ैनब असलम ये पुराने नाम है जो हुजूर ने हमारे चेहरे पे बाकी रखे, ये यहूद नसारा ऊपर से नाम चले आ रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बाकी रखे, तो इनकार नहीं किया। इतनी ज़ैनब मदीना मनोवरा में थी कि उनके किस्से होते थे, जब शिकायतें आती थी हुजूर एक ही जवाब करते थे, खाली सिर्फ ज़ैनब मत कहो, अय्यू ज़ैनब, कौन सी ज़ैनब, अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी का नाम भी ज़ैनब है, मेरी बेटी का नाम भी ज़ैनब है, उसकी बीवी का नाम भी ज़ैनब है, उसकी बहन के नाम भी ज़ैनब है, ये जुमला कहते थे अय्यू ज़ैनब। तो लोग पूछते थे तुम कौन हो, कौन ज़ैनब, बिन्त रसूल, अरे तुम्हारा क्या काम है उससे, भाई मैं परेशान हाल हूँ, तुम मुझे कमरा दिखा दो। चाहे रिवाज में आता है कि किसी ने इशारा कर दिया वो कमरा,
आगे चले गए दस्तक में, बदगुमानी से बचना, इस पर यह किस्सा है। हजरत जैनब घर में अकेली, उनकी बच्चियाँ, पूछा मैं कौन, तो उन्होंने आहिस्ता से कहा अबू उलास इधर अली। अरे अबू उलास इधर अली, तो तुमसे यूँ कहा मैं सिर्फ पनाह लेने आया हूँ, लोग मुझे कत्ल कर देंगे, तुम मुझे पनाह दे दो, जब पनाह दे दो, क्योंकि तुम्हारे उस जमाने में ये था कोई पनाह दे देता तो कोई कत्ल नहीं कर सकता, ये हमारे शरीयत का कानून था, तो मुझे पनाह दे दो तो मैं जो मैं यहाँ बैठा रहता हूँ कोने में ठंडी। अगर जैनब ने जो अपनी बच्चियों को जगाया, इनका भी जाओ तुम बाहर जाओ, ये रिश्ते ले जाओ। अब बाप और बच्चियाँ, बेटियाँ तो हैं, रोए मिले, बिस्तर बिछाया, चादर दी, ये दिया वो दिया, हजरत जैनब ने पनाह भी दे दी और ये अपना ले लिया। लेकिन एक फिक्र इनको ये है कि हजरत जैनब ने पनाह दिए कि नहीं दिए, ये लोगों को तो पता नहीं है, कोई मुझे देखेगा तो कत्ल करेगा। चुनाचे रिवायत में आता है कि फजर की नमाज भी, फजर की नमाज के वक्त में ये तो सोए हुए थे मुशरिक थे, उनको तो नमाज का मतलब ही नहीं। हजरत जैनब जो है ये औरतों को चबूतरे पर, वहाँ औरतों का चबूतरा होता था, वहाँ औरतें आकर नमाज पढ़ती, उसे मादरू भी नहीं थी होती, किसी को पता नहीं कि क्या कुस्सा हुआ है रात। जब हुजूर खड़ा तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये हजरत जैनब जो है अपनी चादर ओढ़कर खड़ी हो गई और कहा अना ज़ैनब बिन्त रसूल, हुजूर बैठे हुए मुसल्ले पर, और कहा कि अबू उलास इब्न रबी आए हैं और अबू उलास इब्न रबी को मैंने जो है पनाह दी है, इसलिए कोई उनको मेरी आंखों से न देखे। ये औरतों को चबूतरे पर ऐलान हो रहा है, हजरत आयशा सुन रही, हजरत मैमूना सुन रही, हजरत जुवेरिया सुन रही, सारे मातर फातमा सब सुन रहे, अरे हुजूर सलात सुन रहे। तो हुजूर ने क्या कहा, सहाबा से कहा भाई बैठो, अब कहीं जाना मत, कि बदगुमानी दूर कर रहे हैं, जो ये ज़ैनब कह रही है जैसे तुम पहली मरतबा सुन रहे हो वैसे मैं भी पहली मरतबा सुन रहा हूँ। ये नहीं है कि बाप जी और बेटी ने कोई आपस में आप मशवरा कर लिया और इतने बड़े आदमी को जो पना दे दी, ये बात नहीं है। तुम बैठे रहो, तुम बैठे रहो, मैं ज़ैनब के पास जाता हूँ। सब बैठे रहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बैठे रहे, मैं जाना मत, तशरीफ लाया थे ज़ैनब के घर में। बेटा क्या हुआ, घर में अब्बा रात को वो आए थे और बहुत रो रहे थे, ठंडी में ठहर रहे थे, एक पना मांग रहे थे, मैंने पना दे दी, तो हुजूर ने जवाब क्या दिया। देखो बेटा, पना देने का तो हर एक को हक है, लेकिन ये कि वो तुम्हारा शोहर नहीं है इसलिए तुमसे खलवत न करने पाए, एक बात कर, हाँ अपने बेटे हैं, बेटियाँ हैं, बच्ची हैं, अपने जो है वो जाकर अब्बा से मिले करें और जो भी खिलाना पिलाना बात अलग है, लेकिन खलवत न करने पाए। इतनी बात कहकर अभी निकल रहे थे कि यहाँ तुम आयशा तहकीक के लिए भी क्या हुआ है, क्या हुआ, अब फरमाने अभी ऐलान करता हूँ, सुन लो ऐलान करता हूँ, सबका जवाब देना तो भारी पड़ता है, ऐलान करेंगे सुन लो। चुनाचे हुज़ूर सलातुल्लाह तशरीफ लाए और ये फरमाया कि मुसलमानों देखो, बदगुमानी से बचना, मैंने तुमको सिर्फ इसलिए जमा किया है कि ज़ैनब ने जो काम किया मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन ये कि उसने मुझे ये कहा कि परेशान हाल थे, मैंने पना दी है और मैंने सिर्फ बदगुमानी ख़त्म करने के लिए कि मेरे साथियों के दिलों में मेरे तरफ से कोई बदगुमानी ना आए, अलग नबी की तरफ से किसको आई, इसलिए वजाहत करता हूँ कि मैंने कुछ नहीं कहा, उसने दी है, वो जो वो पनाह में है वो उसको मेरी निगाहों से न देखे, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि जो कुछ भी तुमने माल लिया है वो माल अगर वापस दे दो, हो सकता है लाल्लाह है हजी, हो सकता है कि अल्लाह उसे हिदायत। ये कहकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा तो साहबा ने कहा कर आप हमसे दरख्वास्त करने के बाद नहीं, आप तो हुक्म करें। सुना जो हुज़ूर ने अपनी चादर बिछाई, माँ एक तरफ देख रही हैं, हजरत ज़ैनब भी देख रही हैं, बेटियाँ भी देख रही हैं, कमरे कमरे के अंदर चादर बिछाई और कहा अब कोई लोग कोई जो है सोना ला रहा है, कोई जो है कंडियाँ ला रहा है, कोई इतर ला रहा है, कोई हीरे जवाहरात ला रहा है, वो ईरान तक जाते थे, वहाँ से पत्थर लेकर आते थे, वहाँ से
ये सब ला रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं देख रहे हैं। और तारीख की किताबों में लिखा है कि वो भी आ गए, अबू लास्म नबी भी आ गए, सब जाके वे बैठे हुए हैं। जब सारा माल जमा हो रहा है तो माए जो है वो हिस्सा मार कर रो रही है, हमारा दामाद है, हमारा दामाद है, हुजूर का दामाद है, इस जमाने में था। अजीब ये मसले की भैया घर ने अलग किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू थे। एक सवाल करते थे हुजूर, हल बकरी सही, हल बकरी सही, कोई चीज रह गई वो उठा उठा कर देखते थे, कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। तो उन्होंने फरमाया जाओ इसे ले जाओ, तुम पर भी कोई जुर्माना नहीं और तुम्हारे माल पर भी कोई जुर्माना नहीं, ये उसने फैसला किया सबके सामने। अच्छा, ये किस्सा ऐसा था कि भरे मजमे में था। बस किस्से ऐसे होते हैं कि जब तन्हाई में होते हैं, जब तन्हाई में होते हैं तो तन्हाई में रह जाते हैं, और बाद मशवरा ऐसे होते हैं जो भरे मजमे में होते हैं। तो भरा मजमा कहता है कि मैं भी था, मैं भी था, मैं भी था, मैंने भी सुना, मैं भी। जब मुलास इतने रजी जो है वो माल जमा करने लगे तो सबके हिचके बन अपने थैले में डाल रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी इज्जत को सब लोग जानते थे। चुनांचे सहाबा ने मदद की, उनका पोटला बंधवाया, बिस्तरा बंधवाया, ये बंधवाया, और फिर जो है वो उठा कर जब रवाना होने लगे उस वक्त में हजरत ज़ैनब बहुत रो, देखते जाके तारीख की किताबों में लिखा है उस वक्त में दीवारें तो थी नहीं, बिल्डिंग तो थी नहीं, जो न्यू जो देख सब माएँ देखते रहती थी कि ये रहे, जब तक ओझल नहीं हुए अपनी आँखों से तब तक जो है ये लोग देखते रहे, बच्चियाँ भी देखती रही और हुजूर भी अपने कमरे के अंदर आ गए। ये हो गया, मक्का मुकर्रमा पहुँचे, मक्का मुकर्रमा पहुँच कर ऐलान किया कि अबू लास आ गया है, जिसका जो भी हिसाब किताब हो ले लो। सब हिसाब किताब किया, तीन दिन तक ठहरे रहे वहाँ, और ठहरने के बाद कह दिया भाई किसी का कोई माल पर हिसाब किताब रह गया हो तो ले लो। फरमाया नहीं, अब दूसरा पैसा ले लो, अपनी जारत के लिए जा रहे हो लगा लेना। फरमाया नहीं, कुछ बचा नहीं था, कुछ नहीं बचा। चुनांचे वहाँ से वो रवाना हो गए। जब रवाना हुए अब मदीना मुनव्वरा आए हैं, इस्लाम कबूल कर लिए। जब मदीना के बॉर्डर में दाखिल हुए तो लोगों ने देख लिया आज अबू लास करे भी, अबू लास करे भी, हुजूर को पता चला अबू लास भी फिर आ रहे हैं यहाँ। आपने फरमाया अल्लाह के दास की उम्मीद है कि ये हिदायत के लिए आ रहा है। तशरीफ लाए, कलमा पढ़ा और कलमा, अच्छा पता चल गया माऊ तुम भी आ रहा है, तो दोनों के पता चल गया। हुजूर ने दो दिन पहले कह दिया था ज़ैनब अबू लास नबी आ रहे हैं, ऐसे मुझे इत्तलाएं मिली हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसी इत्तलाएं मिली हैं, हो सकता है अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला आपका जोड़ा फिर से बरकरार रखे, इसलिए तुम उसी तैयारी में रहना। अब खुश अबू लास नबी आए, कलमा पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए कि ज़ैनब तुम्हारी बीवी है, अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारा। फिर अशार पढ़े, अब अशार सुनाने का दौर तो नहीं है, हजरत ज़ैनब ने अशार पढ़े। हालांकि हजरत ज़ैनब ज़्यादा अशार नहीं पढ़ती थी, हजरत फातिमा पढ़ती थी, हजरत आयशा पढ़ती थी, गुनगुनाती थी, इनके मिजाज में खामोशी थी, हजरत ज़ैनब के मिजाज के अंदर अशार पढ़े दर्द भर। ओहो, ये दो चीज़ें मैंने अर्ज की, हुस्न ज़न और बदगुमान। अच्छा, ये दो सिफतें आएंगी तो अल्लाह ताला बड़े बड़े दर्जे देगा, याद रखना। सलफ सालेहीन अपने दोस्तों को सिर्फ तीन बातों की वसीयत करते थे, मुरीद आते थे ना, उनका कोई लंबे चौड़े बयान नहीं होते थे, सिर्फ तीन बातें वो कहते थे, तीन बातें पकड़ लो तो तुम अल्लाह से मिल जाओगे, परसों सलाह तुम मिल जाओगे। तो कहते थे क्या, कहते थे गवाही नंबर एक, या आलम सिर्रकुम, तुम्हारे बातिन को वो जानता है। नंबर दो, वजहरकुम, तुम्हारे जाहिर को भी जानता है। नंबर तीन, मैं आलम मा तक्सिबून, या आलम सिर्रकुम वजहरकुम मैं आलम मा तक्सिबून, इसी पर जो अल्लाह के फैसले होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालदा थी फातिमा सदिया, अबू तालिब की बीवी, हज़रत अली की वालदा और हज़रत फातिमा की साथ मुशरिका थी,
लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, अबू तालिब के इंतकाल के बाद वो मुसलमान हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कुछ औरतों का तज़किरा बहुत अहतमाम से करते थे। उस हज़रत खदीजा हैं, हज़रत हलीमा है, इस उम्मे ऐमन है, उम्मे हानी है, अरे फातिमा सदिया। फातिमा सदिया का तज़किरा तो बहुत ही ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा। कहते देखो उसने मेरा जो साथ दिया है बचपन में, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए, माँ का इंतकाल हो गया, बाप का पहले इंतकाल हो गया, ये काफिला जब तनीम पे पहुँचा है तो रिवायत में ये लिखा है कि तनीम में अबू अब्दुल मुत्तलिब वगैरह लेने के लिए आए। जी मोहम्मद आ रहा है, पोता आ रहा है, अमना आ रही है, और यहाँ देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन उठाई हुई है, उम्मे ऐमन जो है बांधी और हबशन थी, तो ऑप्शन थी तो वो सूरत नहीं थी। अब्दुल मुत्तलिब बहुत खफा हुए, ये क्या उम्मे ऐमन ने उठाया मेरे बेटे को, आमना कहाँ है, अरे ना आमना, आमना कहाँ, आमना कहाँ है। किसी की हिम्मत होती नहीं थी अब्दुल मुत्तलिब को कहे, उनका भी इंतकाल हो गया। एक तो बूढ़ी औरत साथ थी, उसने कहा चचा जान आमना का तो इंतकाल हो गया है, इसलिए उम्मे ऐमन को दिया है। आपकी उम्र उस वक्त में 5 साल की थी, 4 साल 5 साल बस, क्या अल्लाह तआला की रिवायत। अब्दुल मुत्तलिब ने जो उठा लिया, बहुत प्यार किया, बहुत बोसा दिया। तो हुजूर फरमाते थे उस वक्त से लेकर अबू तालिब के इंतकाल तक ये फातिमा सदिया ने मेरा साथ दिया। जब अब्दुल मुत्तलिब बहुत रोने लगे तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा किस औरत को दूँ, अबू तालिब ने थे सब थे ये लोग, किस औरत को दूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फातिमा सदिया को दिया, ये लोग इसे लोग, ये रो रहा है बच्चा, मुझे सलाह सुनी में रो रहे हैं। अब एक औरत है फातिमा सदिया, हुजूर किससे बयान करते थे, चांस मिला और कहते थे फातिमा सदिया का जब इंतकाल हो जाए तो डबल कब्र खोदना। हालांकि सब एक आदमी की खोदी जाती है, एक आदमी मरता है एक आदमी खोद, फातिमा सदिया के लिए ये डबल कब्र खोदा। तो खाली सदर उम्र से हुजूर ने फरमाया कभी उसके कोई बातें मुसलमान होगी, जब मुसलमान हुई तो आपसे कहा कि मैं जो है दिल में मेरे इस्लाम था लेकिन ये अबू तालिब की वजह से मैं छुपाई हुई। शौहर है जिंदगी में साथ रहा है कब तक मैं, लेकिन अब इंतकाल हुआ, अरे मुसलमान हुए तो हिजरत की, हिजरत करके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना इकराम करते थे और ये किस्से सुनाते थे, ये मुझे लेकर चली, मुझे याद है तनीम से जब वहाँ पहुँचे मक्का में तो अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा खोला, जो अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा कमरा तैयार रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, खजूरें रखी थी हज़रत आमना के लिए, अब्दुल मुत्तलिब जो दरवाज़ा खोलते खोलते रो रहे थे, अब ये घर किसका, ये घर में कौन रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, सारा सामान उठवाया अपने घर पे ले आए। लेकिन फातिमा सदिया ये बराबर साथ रहे, मैं रोता था मुझे प्यार करती थी। जब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया, हुजूर खुद सुनाते थे अब्दुल मुत्तलिब का जब इंतकाल हो गया मेरी उम्र 8 साल की, मैं पीछे पीछे रोता हुआ जा रहा था, बाप भी नहीं, दादा भी, बाप भी नहीं, दादा भी नहीं, माँ भी नहीं। जब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया दफन करके वापस आए, जब वापस आए तो रिवायत में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब ने जाते जाते अबू तालिब को दे दिया था, भाई उसको संभालना है इस बच्चे को। जब वापस आए तो अबू तालिब जो है वो आए, बेटा मोहम्मद आपके कपड़े कौन से हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे, और वहाँ फातिमा सदिया का इत्तला करवाई, एक मेहमान लेकर आ रहा हूँ, एक मेहमान लेकर आ रहा हूँ, सारे कपड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जब कुछ देर तक आगे बढ़े तो आपने कहा अरे चाचा 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 मेरे कपड़े को सूख रहे हैं, भूल गए हूँ, पीछे दौड़े दौड़े आए वो कपड़े ले लिए और गए। कहा फातिमा एक मेहमान लेकर आया हूँ, खाना पका रही हूँ, फातिमा एक मेहमान लेकर आया हूँ, बे कौन है मनीष भाई कौन है मेहमान, कहा तो देख तो सही मेरी तरफ। जब देखा फरमाया ओहो ये मेहमान नहीं है, ये तो मेज़बान है, ये हुज़ूर के याद जुमले, और मुझे अपने गले से लगाया। ये फरमाया अली से भी तो मुकद्दम है, जाफर से भी तो मुकद्दम है, फलां से भी मुकद्दम है, 4 बेटे थे अबू तालिब के, थे मुसलमान थे, दो गैर मुस्लिम थे,
کہ جتنے میرے بیٹے ہیں ان سب سے تو مقدم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس نے میرا اتنا احترام کیا کہ سب کو کھانا بعد میں دی دی تھی پہلے مجھے دی, سب کا بعد میں نہلاتی تھی پہلے مجھے نہلاتی. مجھے اس کی محبت یاد ہے, حالانکہ مشرک اس وقت مسلمان اسلام نہیں آیا تھا. جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے خیر نہیں تھی, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ دل میں خیر ہوتی ہے تو خیریں آسمان اس کے آتی ہیں. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو, ای عالم اللہ فی قلوبکم خیرہ یؤتکم خیرہ. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر کرو تو اللہ کلیئر کرے گا معاملہ, تم ٹینشن مت لو کہ ایسی خیریں ملی ایسی خیریں ملی ایسی خیریں ملی. پھر روتے روتے آپ کہتے تھے میرا ساتھ یہ کیا. ارے ایک روایت ذہن میں آ گئی کہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچ گئے سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ماؤں کو کہتے تھے بھائی آج رات میں فاطمہ کے ساتھ سوؤں گا, وہاں میرا بستر لگاؤ دو. تو میں پوچھتی حضرت فاطمہ سنا نہیں نہیں فاطمہ سدیا کیا وہاں لیٹتے کہ جی. اور بھی پوری رات جو ہے پرانی یادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے فاطمہ سدیا. جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے یہ کہلوایا باقاعدہ ابو بکر کو اور خالد کو اور عمر کو, بھائی ان کا انتقال ہوا ہے مجھے بہت افسوس ہے, بہت بڑی عورت تھی ہے, میں جانتا ہوں اس کی خیریں کیا, میری خدمت کی ہے اس نے. جب قبر کھودو تو ڈبل کھودنا, لیکن کسی بھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی ڈبل کیوں کھودیں, دو آدمی پہ کیوں کھودیں, حکم تھا کھودو. جب قبر کھل جائے مجھے خبر کرنا, جب جنازہ آ جائے خبر کرنا. جب جنازہ آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی, بھیا جنازہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں, صحابہ بھی کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا لٹاؤ گے ہاتھ اندر کرو اندر اور پھر کہا لو بھائی ہاتھ پکڑو مجھے بھی داخل کر دو, مجھے بھی داخل ہو گیا. مجھے بھی لیٹ گئے سارے مدینہ نے دیکھا. یہ کتنے تاریخوں کے اندر تواتر سے آتے ہیں. ایک قصہ کسی نے لکھ دیا کسی ایک آدمی نے نا تواتر, تواتر کہتے ہیں ہر مورخ جائے نام لکھو گے وہ مورخ اسے لکھے گا اپنے اپنی ترتیب, ہر ایک کی ترتیب مجھے لکھنی. اسے صلاح سے لیٹ گئے سارے صحابہ جو لکھتے تھے, کسی کی پوچھنے کی ہمت نہیں ہے کہ پوچھیں حضرت آپ نے کیا کہ کیوں کیا. پھر آپ تھوڑ دے لیٹتے رہے, کچھ دعا کرتے رہے, کچھ پڑھتے رہے, پھر آپ نے ہاتھ دیے لے مجھے نکال. صحابہ نے ہاتھ پکڑ کر جیسے آدمی کو نکلنا ہو تو تکلیف ہوتی ہے, نکالا. پھر آپ نے صحابہ نے اسی جگہ پوچھا حضرت یہ آپ نے کیوں کیا. ہاں دو نصیحت دی, ایک طرح کے قبر ڈبر کھودنا, دوسرا ہے کہ میرا کرتا پہنا, میرا کرتا دیا. تو ہم نے فرمایا میں نے دو کام کیے اس لیے, کرتا تو میں نے اس لیے دیا تاکہ اللہ اس کو سندس کا کرتا پہنائے جنت کے, اور قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ قبر کا عذاب اسے تکلیف نہ پہنچائے. اس عورت کے مجھ پر بہت احسان آ گیا. چاند شاباشیاں یاد رکھنا, شاباشی جو ملتی ہے وہ خالی مشہور ہونے سے نہیں ملتی. آدمی سمجھے کہ مشہور ہو جاؤں لوگ مجھے پہچانے نا, وہ تو بہت خطرناک رستہ ہوتا ہے مشہور ہو گیا. اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی, اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا اور بدگمانی سے بچنا. اور بدگمانی سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازم مرضی کا پورا قصہ بیان کر دیا, پورا قصہ ہو گیا. کوئی بات مدینہ منورہ میں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں سنتے تھے, لاؤ مسجد کے اندر بیٹھو بات کرو, اور سب کا خیال کرتے تھے ہمیشہ, اپنے ساتھیوں کا احترام, اپنے ساتھیوں رہا اختلاف, رہا آپس میں مزاج کا اختلاف. ارے بھائی یہ تو بخاری مسلم کی روایت ہے, کیا ہوگا تو عمر میں بھی اختلاف ہوا, یہ تو صحیح صحیح روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمینیں دیتے تھے مہاجرین کو انصار کو, بھائی یہ زمین کا ٹکڑا ہے مثال دے رہا ہوں, بھائی سو پلاٹ ہیں, یہ ایک پلاٹ اس کا ایک اس کا ایک اس کا ایک جگہ ہے, اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوگا تو عمر کو دونوں کی, اور دونوں کی جگہ کیسی تھی ملی ہوئی, ایک تو ایک ابو بکر کی جگہ وہاں ہے, عمر کی جگہ وہاں ہے,
तो बात है नहीं, लेकिन लेकिन दोनों प्लॉट मिले हुए, दोनों ज़मीनें मिली, उन्हें सलाह तुमने कह दिया हुआ होगा कर लिए तुम्हारी समझ गए तुम्हारी, कोई एग्रीमेंट नहीं होता था, रजिस्टर कराओ नाम पर कराओ, ये तुम्हारी ये तुम्हारी, वो फिर जब खजूरों का दरख्त उगाते थे, खुदा की शान ऐसी हुई दो चार खजूर के दरख्त में जो बिल्कुल बीच में हो गए, बीच में, अब ये किसके, और अगर कहने लगे मेरे अमर कहने लगा मेरा कौन है, अजर उपचर है बड़े, ये चीजें तो पलस मेहनत होता रहेगा, अच्छा इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, और अगर ने कहा भाई मेरे है, देखो ये मेरे, उमर ने कहा कि आपके कैसे हैं मेरे, बढ़ते बढ़ते इतनी बात पहुंची क्या अबू बकर ने कोई जुमले कह दिए, हजरत उमर ने कहा बस अब मैं तुम अब मेरा अब मैं जो है मैं जा रहा हूँ ये कहकर हजरत उमर चले गए, हजरत बकर ने कहा भाई उमर सुनो, मेरा नहीं नहीं भाई नहीं 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 भाई सुनो तो सही, नहीं नहीं नहीं, अब अबू बकर सीधे गए हजरत उमर के साथ, भाई उमर है नौरा है तो सही लेकिन निकलेंगे नहीं, गुस्से में सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया, सीधे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाँफते काँपते, अब वो सैयद खुदरी बैठे हुए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देखा तो हुज़ूर ने वो सैयद खुदरी से कहा मानो ना मानो ये किसी से लड़ कर आ रहा है, वो हाँफते काँपते, उनके रिवायत में यह है कि उनकी जो लुंगी थी या चादर थी वो भी ज़मीन पर घिसट रही थी, मानो ना मानो ये जो है किसी से लड़ कर आ रहा है, इतना वो करा जब आ गए तो उसने पूछा बिच क्यों सांस क्यों फूल रहा, पानी पी लो क्या मामला है, तुम्हें आदत में उमर के साथ मेरा ये मामला हुआ ये हुआ ये हुआ, ये हुआ। अरे ये बात सुन रहे हैं इतनी मदद उम्र भी आ गई, जब अदत उम्र आ गए ये तो शिकायत कर रहे हैं वो बकर, अरे उम्र भी आ गई भाई क्या हुआ, ये सुनना है सर मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरी इनसे थोड़ी सी थोड़ा मामला हो गया था, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, कसूर मेरा है, और कहने लगे नहीं आज कसूर मेरा है, वो कह रहे कि मेरा कसूर है, वो कह रहे मेरा कसूर है, वो कह रहे मेरा कसूर है, सब लड़ाई ख़त्म हो गई, आज आदमी अपने कसूर का एतराफ़ नहीं करता इसलिए लड़ाई हुई, अच्छा ये किस्सा नहीं है, किस्से बहुत हैं, अपने साथियों की भल अपने साथियों की अच्छाइयों को हम देखें, खालिद इब्न वलीद बहुत ऊंचा आदमी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ बहुत ऊंचा आदमी, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ नहीं थे, नबी मुनाफिक के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, बहुत ऊंचा आदमी, सारे माओं के जब हुजूर का इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन सलमा ने सवाल किया हजरत आपका इंतकाल का वक्त करीब है अब आपके दुनिया से जाने के बाद हमारे खर्चे का क्या होगा, घर खर्चा सब बैठी हुई थी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हुजूर का इंतकाल का वक्त करीब था, उनमें सलमा ने सवाल किया तो आपने आंखें खोली, हाँ भी क्या पूछा तुमने, कहा आपके दुनिया से जाने के बाद हमारे घर खर्चे का क्या होगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम फिक्र मत करना, सबसे पहले तो मैं तुमको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ, और दूसरी बात ये एक साजिबुल ईमान आदमी आएगा, नाम नहीं लिया, एक साजिबुल ईमान आदमी आएगा जो तुम्हारा पूरा खर्चा उठाएगा, चुनाचे हुजूर के इंतकाल के बाद अब्दुर्रहमान जी नौ खड़े हो गए और उन्होंने जो सारा खर्चा उठाया, बाग भी खरीदा बाग भी बेचा सारे पैसे, साथ में ऐसा कहती थी उनके पोते को जब पोता खेलते खेलते आ जाता था तो आयशा के पास सीने से लाएगा और एक जुमला कहती मैं तेरे दादा के लिए रोज़ाना दुआ करती हूँ कि अल्लाह अब्दुर्रहमान इब्न औफ को जन्नत के सरसबील चश्मे से पानी पिला, मैं रोज़ाना दुआ करती हूँ, किस आयशा ने कहा कोई दिन नवा नहीं जाता कि मैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ के लिए मैं दुआ न करूँ, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ इतना ऊँचा आदमी पर मशरे के अंदर थोड़ी बात हो गई, खालिद इब्न वलीद अब्दुर्रहमान इब्न औफ अब्दुर्रहमान इब्न औफ भागे भागे आ गए हुजूर के पास, हजरत बड़ी परेशानी है क्या वो लड़का वो छोकरा हमारे लिए खालिद इब्न वलीद बड़े हैं साहबा लेकिन उनके माहौल में वो लड़कों में शुमार होते
यानी बड़े लोगों में शुमार नहीं होते थे, भाई नया आदमी आया है, नया आदमी लगा है कि काम में, ये था सहाबा के माहौल में। वो है ना, वो खालिद आया है मक्का मुकर्रमा से और ये है ये है ये है ये, तो हुजूर सलाह तो सुनते रहे। इतने में खालिद वलीद आ गए और खालिद में वलीद आते ही जो है शिकायत करनी शुरू कर दी। आदम मशवरा होता है, ये बड़े मियाँ जो है अभी इनको तो पता नहीं कहाँ कहाँ की राय देते हैं, ये इनको पता नहीं है, ये होना चाहिए ये होना चाहिए ये होना चाहिए, शिकायत। तो हुजूर सलाह सलाम ने क्या कहा, खालिद इनका एहतराम करो, इसलिए कि ये बदरी है तो बदरी नहीं है, बदर में शरीक हुआ है ये आदमी, बहुत कुर्बानी के बाद चलते चलते यहाँ तक पहुँचा है, एहतराम करो। खालिद बिन वलीद ने कहा, हजूर कब तक एहतराम करूँ, ये भी तो मुझे बख्शते नहीं। तो उसने क्या जवाब दिया, अब्दुर्रहमान तुम खालिद का एहतराम करो इसलिए कि ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। सारी दुनिया की जोड़ दिया, तफरका है ना, जोड़ दिया, मोहब्बत है आपस में। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले जो वसीयतें की, बहुत वसीयतें की, किताबों में लिखी है, आप कहीं जाके देख लेना, बसाया रसूल के हुजूर साहब ने क्या वसीयत की, उन्हीं वसीयतों में से एक वसीयत की थी कि मेरे भाइयों को सलाम कहना। ये उसी हदीस में किस्सा मिला है, आपकी जब तबीयत बलबर माशा बलबर तोला होने लगी तो उसने से अबू बकर से कहा, नबी आज मेरा इरादा है बकरी वालों को देखूं और थोड़ा ओहद वालों के पास भी चला जाऊं। बकरी में ले गए, बकरी से सहाबा उठाकर ओहद पर ले गए, सलाम किया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, फिक्र मत करना और मेरी तुम्हारी मुलाकात होगी, तैयार रहना शहदा ओहद से। वापस जब आने लगे तो कहा, भी सुनो मेरे भाइयों को मेरा सलाम कहना, तबीयत खराब थी, मेरे भाइयों को मेरा सलाम कहना। सिद्दीक अकबर ने पूछा, अलसना इख्वानक या रसूल अल्लाह, हम आपके भाई नहीं, अल्लाह बल अंतुम असहाबी, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम तो मेरे साथी हो, मेरे भाई तो वो है जो जिन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा, मेरे दुनिया से जाने के बाद आएंगे, वो मेरे भाई बहन हैं, उनको मेरा सलाम कहना, ये हमारी बहुत बड़ी फजीलत है। उसी वसीयत में जब इंतकाल का वक्त करीब आया, जिब्रील आ गए, हजरत सारी टीम बाहर मौजूद है, इसराइल हुजूर के इंतकाल पर सारे फरिश्ते आ गए, इसराइल इसराफील इस्माइल मिकाइल ये सारे फरिश्ते, ये लाम लाने आखिर में लाम लाम, जिब्रील लाम, इसराइल लाम, मिकाइल लाम, इसराफील लाम, इसार के सर अल्लाह, ये सब फरिश्ते आ गए थे। हजरत में आया हूँ, सब तैयार है, अल्लाह ने भी आपको बुलाया है, तब आपका क्या ख्याल है? उन्होंने फरमाया, मैं तैयार हूँ, मुझे सिर्फ एक बात की, एक बात का खुलासा होगा, हजरत की वसीयत में भी मिलेगा, एक बात का खुलासा, बाद में मेरे ऊपर रुकम कर लो आप। हजरत जिब्रील ने कहा, वो किया, यूँ कहा, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, अपनी बीवी बच्ची के बारे में नहीं पूछा, मेरी उम्मत का क्या होगा। हजरत जिब्रील ने कहा, हजरत ये मैं तो कुछ नहीं करता, ये तो मैं अल्लाह से पूछ रहा, मैं सब कुछ करा। आगे अल्लाह से पूछा कि अल्लाह पाक वो तो ये कह रहे हैं, आपने फरमाया नबी जी से मेरा, अल्लाह ने कहा आप नबी जी से मेरा सलाम कहियो और एक जुमला कह दीजिए, अपनी उम्मत के बारे में फिक्र न करें, मेरा वादा है आपकी उम्मत के बारे में मैं आपको खुश कर दूंगा। अब क्या बताऊं, ये वादा हो गया वहां से, भला तो भाई अरबी का रब्बों का फतर था देंगे हम, और अब इतना एक पे दिया, सामने वाला आदमी खुश नहीं हुआ, एक ने आज एक आदमी ने आपको बहुत बड़े बोरे बड़े दे दिए, लेकिन अब खुश नहीं, जरा और मिले, जरा और मिले, यहाँ पे जुमला क्या, पहले सौ भाई होती तरफ तू का फसर था, हम आप तरफ इतना देगा कि आप खुश हो जाओ। ये फजीलत के बयान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयतें की, कई वसीयतें मिलेंगी, कई तबीयत बहुत खराब होने लगी, लिखो भी ये फिर गुनुज भी आ गई, वाकई करता जिसे कहते हैं, फिर गुनुज भी आ गई, वो चीज़ पूरी नहीं होती,
वो खत जो हुजूर लिखवा रहे थे नसीहत का वो पूरा नहीं हो सका। बदगुमानी से बचना, साथियों का ख्याल रखना, मोहब्बतों से रहना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मिली। इसलिए हमें भी दावत के काम को उसी तरतीब से लेकर चलना है। इकराम, मोहब्बत, अखलाक। जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजली बहुत बड़ा आदमी, यमन का शहजादा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं कमरे में, सारे सहाबा बैठे हुए हैं, ये जरीर दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। हुज़ूर ने देखा तो उस दिन को जरीर आए, जरीर जरीर आपने जरा यूँ देखा कहीं पे जगह मिल जाती तो बिठा लूँ उनको, लेकिन जगह नहीं थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ली और उन्हें लपटी लपट कर उसने फेंकी, भाई जरीर तुम बैठ जाओ। हजरत जरीर ने वो चादर ली और चादर लेकर अपने सर पे रखी और यूँ कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नक रसूलुल्लाह। इतने अखलाक देखकर मुसलमान हुए। हजरत आयशा कहती थी, अच्छा बहुत खूबसूरत थे हजरत जरीर, थे बहुत खूबसूरत थे। हजरत उमर ने अपने ज़माने में दो सहाबा को कहा था, मस्जिद नबी में आओ तो बुरका पहन के आओ। एक जमींदारी अरे जरीर इब्न अब्दुल्लाह अल बजली, इन दोनों से उमर ने कहा था मस्जिद नबी में आना तो नकाब डाल के आओ, यहाँ पर नकाब खोलते औरतें तुम्हें देखकर फितने में मुब्तला ना हो, ये कहा था। तो उमर इनमें ये थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे हजरत जरीर, बहुत मोहब्बत। हजरत आयशा कहती थी, बांदिया कहती थी, जा जरीर जा जरीर जा जरीर, जा जरीर जा जरीर। हम बगैर हुजूर के कहे बुरके पढ़ने से चढ़ जाते थे। आपने बुलाया तो अपने बुरका की सर, ये कहते जरीर आया, जरीर को तो बगैर बुलाए ही बुला लेते हो आप, वो खनखा रहे ना आ जाओ जरीर आ जाओ, ये मामला। अरे जरीर इतना इकराम करते थे। एक मरतबा आकर बैठे तो हुजूर ने कहा, जरीर मुझे एक बात की ज़रूरत है लेकिन कहते हुए थोड़ा शर्माता हूँ, मेरा एक काम अगर तू कर देवे तो बड़ी मेहरबानी। मैंने जरीर ने कहा, हजरत मैं करूँ तो सही लेकिन क्या काम है? यूँ कहा, मुझे बहुत टेंशन है। हुज़ूर ने कहा, मुझे एक बात का बहुत टेंशन है, ये सुन रही हैं सब, मातरू मिल गई थी लेकिन मेरे दिल की बात किसको कहूँ? तो तुझे कहता हूँ अगर तू मेरा एक काम कर ले तो मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। हजरत जरीर ने कहा, तो बता दी तुझे मुझे वादा करके करेगा कि नहीं करेगा? हजरत ये सुने बगैर कैसे कहूँ वादा करूँ, आप बताइए तो सही क्या काम है? यूँ सुनना एक काम कर दिखता, ये लोग सुने नहीं वरना बाहर जाकर कहेंगे तो मसला गड़ा हो जाएगा। और हुज़ूर ने कान में कहा, तो यमन का है ना? हाँ यमन का, यमन का शहजादा है ना, यमन का नवाबजादा है, यमन के सारे सोर्सेस सारे तेरे हाथ अंतर में, जानता हूँ सब। एक काम मेरा कर, वहाँ यमन वालों ने काबा बनाया है, देख काबा पे है क्या हमारा हरम शरीफ, वहाँ लोग हज करते हैं मक्का, पर ये वहाँ उन्होंने शुरू किया, तो वो काबा किसी तरीके से तोड़वा दें ताकि सारी उम्मत यहाँ आकर हज करे, वरना हज दो हो जाए। कुछ लोग वहाँ जाकर हज करेंगे तो अरे तू एक काम कर। अरे तेरे ने कहा, हजरत ये काम मैं नहीं कर, माजरत सॉरी मैं नहीं कर सकता। आपने फरमाया, क्यों नहीं कर सकता, क्या मसला है? फरमाया, हजरत मैं डरपोक आदमी हूँ, उनका बहुत बड़ा भाई बहुत बड़ा ज्ञान है सब मेरे साथ है, लेकिन मैं डरपोक हूँ, इतना लंबा सफ़र मैं अपना घोड़े पर या ऊंट पर नहीं कर सकता, डर लगता है मुझे कि गिर न जाऊँ, कहीं गिर न जाऊँ। आपने फरमाया, अगर ये डर तेरा दूर हो जाए तो हाँ तो चला जाऊँगा। उधर फरमाया, तेरा सीना करीब कर, सीना करीब किया, उधर ने ढप मारी और एक दुआ दी, अल्लाहुम्मा जालो हादियम महदिया, अल्लाहुम्मा सद्दिद हो, तीन दुआएं दी, ए अल्लाह इसे अपनी जमाए रख इसको और उसको हादी भी बना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता दे और महदी भी बना। उधर सलाह वो फरमाते थे, अब्बास अपने तैयार हूँ लेकिन 50 आदमी मेरे यहाँ से मैं ले जाऊँगा, वहाँ से टीम मैं तैयार करूँगा, यहाँ से 50 मेरे, यानी मैं जिसे कहूँ ये ये ये, आपने घर में नहीं जाते चुना जाओ, आपने कहा इसके साथ जाओ, जमन तैयार हो गई, वहाँ चले गए, कुछ दिनों में जब हमने हल हो गए वो सारा का सारा तोड़ ताड़ कर सब कुछ खत्म कर दिया। फिर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वही मक्का मदीना मुनव्वरा में ही थे और हज़रत जरीर को पता चला कि हुज़ूर का इंतकाल हो गया, और बाद में हुज़ूर की मुलाकात नहीं हुई। इसलिए आप हज़रात से सिर्फ हम सब
कि अल्लाह के अहकाम को पूरा करें और यही तीन नसीहत पकड़ लें, या आलम सिर रखूँ बजा रखूँ मैं आलम मात सिबू। इसके लिए अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत, आदमी नकलो हरकत करे, जाए अल्लाह को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। जितना हम दावत देंगे सामने वाले का फ़ायदा हो या ना हो, हमारा फ़ायदा तो ज़रूर होगा। इसके लिए फंड यार नाम लिखेगा।